बीकॉम पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रतिष्ठा का विषय आयकर में आज हम आयकर के इतिहास की चर्चा करते हैं। यह जानने की जरूरत है कि आखिर यह आयकर लागू कब से हुआ और क्यों हुआ। हमें पता है कि 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, उसमें उस समय की सरकार को भारी नुकसान हुआ था। इस नुकसान से बचने के लिए और इसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस समय 1860 में सर जेम्स विल्सन ने इसकी शुरुआत की थी। तो आयकर अधिनियम की जो शुरुआत हुई है, इसका शुरुआत 1860 में हुआ था। 1860 के बाद कई संशोधन होने के बावजूद यह आयकर लागू रहा। जब 1860 में ये आयकर लागू हुआ था, उसके बाद 1886 में आयकर अधिनियम पारित किया गया था। आयकर अधिनियम 86 के बाद अनेक बार संशोधन भी हुए और वित्तीय संकट को दूर करने के लिए आय के महत्वपूर्ण स्रोत सरकार को चाहिए था, उसमें आयकर एक अहम स्रोत बन रहा था। और इसलिए 1918 में आयकर अधिनियम बनाए गए फिर से, और 18 के आयकर अधिनियम के बाद एक बार फिर 1922 में आयकर अधिनियम पास किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न समस्याओं और आर्थिक दिक्कतों के लिए राजस्व की जरूरत थी, आय की जरूरत थी, और आय के लिए आयकर के स्रोत को और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से 1922 में एक आयकर अधिनियम पास किया गया। और इसमें सबसे प्रमुख बात यह थी कि आयकर लगाने के लिए गत वर्ष शब्द की को इसमें जोड़ा गया था। गत वर्ष आयकर किस पर लगेगा, तो गत वर्ष की आय पर लगेगा। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, इससे पहले आय पर कर लग रहे थे, लेकिन किस समय की आय पर कर लगना है तो इसके लिए 1922 में जो संशोधित होकर के आयकर अधिनियम आया, उसमें इस बात की जानकारी दी गई कि आयकर गत वर्ष के आय पर लगेगा। गत वर्ष का क्या मतलब है, कर निर्धारण वर्ष के पूर्व के 12 महीने की अवधि को गत वर्ष कहते हैं। अगर कर निर्धारण वर्ष 2019 और 20 है तो 2018-19 का वित्तीय वर्ष गत वर्ष कहलाता है, और 18-19 में जो आय प्राप्त हुई है वो उस गत वर्ष की आय होगी जिस आय पर कर लगना है। कर लगाने के नियम वो होंगे जो कर निर्धारण वर्ष के लिए तय होते हैं। तो 1922 के कर निर्धारण संबंधी अधिनियम, आयकर अधिनियम के बाद हमारे आजादी का समय आया। हालांकि ये मात्र
चार वर्ष तक ही चला, 1922 में जो कर संबंधी नए अधिनियम लाए गए थे, आयकर अधिनियम, वो मात्र 4 वर्ष चला। तो अधिनियम की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए आजादी के बाद यहां की सरकार ने 1953 में टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन बनाया, कर जांच आयोग बनाया, टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन 1953 में बनाया, और 1958 में इस संबंध में डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन बनाया, एक प्रत्यक्ष कर प्रबंध जांच आयोग, प्रत्यक्ष कर प्रबंध जांच आयोग, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमीशन बनाया, और इन कमीशन के सुझावों के आधार पर, दोनों के सुझावों के आधार पर 1961 में आयकर अधिनियम 1961 तैयार किया गया, और 1962 में आयकर संबंधी नियमावली भी बनाई गई। वास्तव में विगत 50 वर्षों में 60 वर्षों, अब तो 60 वर्ष हो चुका है, विगत 60 वर्षों में अनेक बार संशोधन हुए हैं आयकर अधिनियम में, लेकिन मुख्य रूप से जो संशोधन हुआ है वो 1987 में हुआ। क्या संशोधन हुआ कि प्रत्येक करदाता के लिए अलग अलग गत वर्ष का होना उचित नहीं है। जो 87 में संशोधन के मामले आए, उसके पहले करदाता का गत वर्ष उनके मन के अनुकूल होता था। दिवाली से दिवाली, दशहरा से दशहरा, ईद से ईद, इस महीने के अंतिम से अगले साल के उस महीने के अंतिम तक, इस तरह का मनमाना गत वर्ष हुआ करता था, जिसे 1987 में संशोधित करके 1 अप्रैल 1989 से एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई। इसके अंतर्गत इस कर निर्धारण वर्ष 88-89 कर निर्धारण वर्ष के तहत गत वर्ष सबके लिए एक हो गया, अर्थात कोई मनमाने तरीके से गत वर्ष नहीं रख सकता। गत वर्ष का अर्थ बनाया गया वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से जो शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च तक चलता है वो गत वर्ष कहलाता है, और उसके बाद वाला जो वर्ष है वो कर निर्धारण वर्ष है। उदाहरण से मैं समझा रहा हूं कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 यदि गत वर्ष है तो कर निर्धारण वर्ष 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का होता है। कर निर्धारण वर्ष 2021 का गत वर्ष हुआ, कर निर्धारण वर्ष 20 और 21 का गत वर्ष हुआ 19 और 20, जो 1 अप्रैल 19 से शुरू होकर के 31 मार्च 20 तक की अवधि, 12 महीने की अवधि या 52 सप्ताह के